subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. कल हम WH पे काम कर रहे थे, WH Words. हमने देखा था कि तीन तरह के हैं. इसमें पहला टाइप था कि कुछ ऐसे WH हैं जिनके तुरंत बाद आपको do या does लगाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमने देखा. जैसे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि तुम पार्क क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू पार्क. ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर कोई और सेंटेंस आ जाए, हमने उसकी लिस्ट भी देखी और उसके बगल में अगर डब्ल्यू एच आ जाए तो ये कंजंक्शन बन जाता है. हमने ये भी देखा कल, याद होगा सबको. तो ये कंजंक्शन बनता है, फिर हम डू या डज नहीं लगाते हैं, हम वहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद हम या तो पॉजिटिव रूल फॉलो करते हैं या जैसा सेंटेंस है नेगेटिव रूल फॉलो करते हैं, ये चलता है. एग्जांपल के तौर पे कि मैं जानता हूँ सपना कहाँ रहती है, तो आई नो मेरा सेंटेंस है. अब कहाँ की इंग्लिश वेयर हो गई, अब मुझे डज वज नहीं लगाना है, सीधा वेयर सपना लिव्स. तो ये देखो सपना लिव्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना. देखो पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीके से हम यूज करते हैं. अगर ऐसा हो कि मुझे नहीं पता कि सपना तुमसे प्यार क्यों नहीं करती है, मुझे नहीं पता सपना तुमसे प्यार क्यों नहीं करती, तो मुझे नहीं पता कि इंग्लिश I don't know why Sapna loves you. अब उसमें देखो क्यों नहीं करती है, नेगेटिव भी आ रहा है. अभी फॉलो करो इस चीज को. Why not Sapna love you? Why Sapna doesn't love you? तो मुझे नहीं पता, I don't know. हमने why बोला. उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. अब वो सपना क्यों नहीं, उसमें जो नहीं आ रहा है उस चक्कर में हम क्या करेंगे, why Sapna आप यहाँ पर हम डजंट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव तो लगाना पड़ेगा. बट इस वाई के बाद देखो डू डज नहीं आ रहा है ना, इसके बाद तो सब्जेक्ट आ रहा है, इसका ख्याल रखना. वाई सपना डज इट लव. हम जब इसमें ऐसे बोल दे कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है मोहन कहाँ रहता है, डू यू नो पहले बोला कहाँ की इंग्लिश वेयर हो गई. अब मोहन रहता है ऐसे, वो डज हटा दो, मोहन लिव्स. तो डू यू नो वेयर मोहन लिव्स. तो ये हमने कल सीखा था. इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा. अब इसके अंदर हमें लगाना है वेदर, और वेदर के साथ क्या लगता है, और नॉट. वेदर और नॉट सेंटेंसेस कैसे होंगे, जैसे मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं. सेंटेंस को देखिए, या नहीं लास्ट में आ रहा है, या नहीं. तो हम पहला सेंटेंस बोलेंगे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. फिर बीच में वेदर लगाएंगे, वेदर. फिर तुम मुझसे प्यार करते हो, यू लव मी और सेंटेंस ऐसे बने, आई डोंट नो वेदर यू लव मी और नॉट. जैसे मैं नहीं जानती कि वो इस कमरे में सोता है या नहीं. ये हमारा सेंटेंस है, तो कैसे होगा, मैं नहीं जानती. I don't know whether he sleeps in this room or not. ये वेदर है.
किया और इस वेदर के बाद हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक फ्यूचर टेंस लगा के दिखाता हूँ. मुझे नहीं पता कि वो आएगी या नहीं. फ्यूचर हो गया. आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट. एक लड़की कह रही लड़के से कि मुझे नहीं पता तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे. आई डोंट नो वेदर यू विल मैरी मी और नॉट. तो ये वेदर का फायदा है. तो फिर ये शाहिदा बनाओ. मुझे नहीं पता आज बारिश होगी या नहीं होगी. बनाओ जरा. आई डोंट नो वेदर जैसे आपको लिंक मिलता है आ जाइए क्लास. सर वो मैं अभी खेत में गया था लेट. However, the video is being recorded. Recording चल रही है. टेंशन नहीं लेना है. बस यूट्यूब पे आप ने ATM बैच को फॉलो करते रहिए. धीरे धीरे सब मिल जाएगा उसमें. चलिए देखिए अभी भी लोग आ ही रहे. एक्सक्यूज मी. अब हम चलेंगे अपने दूसरे टाइप का जो WH है. ये कुछ ऐसे WH है जैसे कि हाउ मच, हाउ मैनी, विच या विच टाइप ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, हूज. हाँ सर यही सब बहुत मेन है सर. तो अब इनके साथ होता क्या है. नोट लिख देता हूं. ऊपर बताए हुए WH वर्ड्स के तुरंत बगल में डू डज नहीं आता है. नहीं आता है बल्कि इनके बगल में ऑब्जेक्ट आता है. फिर डू या डज लगेगा. डू डज लगेगा. तो हाईलाइट करते हैं. कैसे सबसे पहले तो हाउ मच का मतलब क्या होता है. कितना. ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल. क्या लगता है सर. अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल यानी कि हाउ मच जो है इसके बगल में वही नाउन आ सकता है जिसको हम 1 2 3 करके नहीं गिन सकते. अनकाउंटेबल होता यानी कि इसके बगल में जब भी आएगा वो आएगा अन countable noun. सर इसका मतलब कि how much adjective काम करेगा क्या सर. जी जी एक तरीके से कह सकते हैं. तो अगर मैं कहता हूँ कि कितना चीनी तो कैसे बोलोगे. how much sugar. कितना पानी. how much water. सर जी let me know the 1 2 3. I don't know what is the meaning of 1 2 3. 1 2 3. हाँ देखिए जब हम किसी नाउन को एक दो तीन ऐसे एक दो तीन करके गिनते हैं तब वो countable कहलाता है. जैसे
वन चेयर, गिन सकते हैं ना? हाँ सर। टू पेंस, गिन सकते हैं? हाँ सर। थ्री मोबाइल्स, ओके। फोर गर्ल्स, फाइव बॉयज, ईटीसी। अगला पॉइंट, जब हम किसी नाउन को वन टू थ्री करके नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते हैं, तब वो अनकाउंटेबल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, वन वाटर बोल सकते हैं क्या? टू शुगर बोल सकते हैं क्या? ये जरा दो चीनी देना, नहीं बोल सकते हैं। थ्री ऑयल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल, इनको आप वन टू करके कर ही नहीं सकते। सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया सर कि वन के जी टू के जी तो बोल सकते हैं ना, या दो लीटर फाइव फाइव लीटर ऐसा तो बोल सकते हैं। के जी में होता है। हाँ, के जी को बोल सकते हैं। मैं बस वन टू थ्री करके बात करूँगी। अच्छा चलिए, तो अब हमें ध्यान देना है कि अब मैंने रखा कि भाई तुम कितना पानी रोज पीते हो, तो अब मुझे इस कितने के लिए हमारे पास दो इंग्लिश होती है, एक हाउ मच होती है, एक हाउ मेनी होती है। मैं दोनों लिख देता हूँ कि हाउ मच, हमें पता है कि हाउ मच के बगल में क्या आएगा? अनकाउंटेबल। और हाउ मेनी के बगल में आएगा? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। अब मुझे तय करना है ना, मैं क्या उठाऊं पानी के लिए, क्या उठाऊं? मुझे पानी को देखना है, अनकाउंटेबल है ना, तो मैं हाउ मच उठाऊंगा, तुम कितना पानी पीते हो। तो रूल कहता है कि जैसे आपने डब्ल्यू एच लगाया तो इसके बाद डूडज नहीं लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना down. है वो ऑब्जेक्ट आपका या तो अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल, काउंटेबल होगा। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग नहीं समझेंगे। अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल होगा, जो भी आप लगाओगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर आप डू या डज लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ। और चूंकि ऑब्जेक्ट आपने पहले लगा दिया, तो यहाँ पर हो सकता है कोई अदर वर्ड हो, यू नो, कोई अदर वर्ड हो सकता है, जैसे ये नहीं भी हो सकता। तुम कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच हमने यहाँ पर रखा वाटर, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, ये वर्ब तक हो गया। अब रोज है तो वो अपना जो भी अदर वर्ड है आप यहाँ लगा सकते हो, डेली। तो बनकर तैयार हो गया, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। गलत कैसे हो जाता अगर हम कहते कि हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर डेली, मान लो उल्टा पुल्टा किसी ने कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग फॉर्मेशन, ये रॉन्ग है, नहीं बोल सकते। इसको अलग कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है जो सबको कन्फ्यूज्ड करता है, इस वर्ड का नाम है मनी। अब ये शब्द जो है, ये जो नाउन मनी जो वर्ड है, मनी वर्ड को अनकाउंटेबल में रखा गया है, मनी को बोला गया अनकाउंटेबल। लोग कहते हैं सर पैसा तो गिन सकते हैं, है ना, तो पैसा हम गिन सकते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में मनी बोलेंगे तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, आज मेरे पास वन मनी है, ये तेरे पास दो मनी है क्या, जरा मुझे तीन मनी देना भाई, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल। सर अगर मनी की जगह रुपीज मेंशन हो तब तो वो काउंटेबल में आएगा? रुपीज नोट्स काउंट हो सकते हैं, या हाउ मेनी रुपीज, हाउ मच, हाउ मेनी रुपी, टू रुपी, थ्री रुपी, रुपी? नो सर, नो सर, हाउ मेनी रुपी बड़ा अजीब सा लग रहा है। नो सर, आई थिंक इट्स अबाउट द करेंसी, अजीब लग रहा है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल है सर, नो पैसा मनी, वन पैसा टू पैसा बोल सकते हैं, टू पैसा थ्री पैसा रुपीस बोलते हैं, पैसा बोल सकते हैं, पैसा बोल सकते हैं।
तो अगर कोई ऐसे बोलता है कि आप कितने कितने पैसे रोज खर्च करते हो करते हो, तो अब है कि वो हाउ मेनी मनी बोले या हाउ मच मनी बोले, यू नो, तो क्या होगा, तो कैसे बोलेगा वो? हाउ मच मनी डू यू स्पेंड डेली। वैसा नहीं बोल सकता कि हाउ मेनी मनी दिस इज रॉन्ग सर। हाउ मेनी रुपीज तो बोल सकते हैं ना सर, रुपी उसे 1 रुपी 2 रुपीज करते हैं ना, काउंट कर सकते हैं। हां हां उसको काउंट तो कर सकते हैं ना, 100 पूरा 1000 होगा वो बोल दीजिए, और जिस जिस को भी 1 2 करके गिन सकते हैं, और क्या होता है। लेकिन जो उसे मनी शब्द पे ध्यान देना, अगर कोई मनी बोलता है तो उस मनी मनी का मतलब धन, मनी का मतलब वो पैसा, मतलब आप उसको उसके अंदर चीजें गिन सकते हो, बट जो पैसा वर्ड बोलोगे ना, मनी वर्ड जब इंग्लिश का, तब नहीं है ये है। तो बताइए कि तुम्हारे पापा कितना दूध पीते हैं, ये कैसे होगा? How much milk does your father drink? How much milk does your father drink? How much milk ही होगा ना? सर, how many liter या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं? हाँ हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके मेजरमेंट को भी छोड़ देते, मेजरमेंट को तो काउंट कर ही लेंगे, मेजरमेंट छोड़ देते, उसका माप छोड़ देते, सिर्फ मुझे बोलना है कि हाँ भाई कितना चीनी लेते हो चाय में, अचानक मैं किसी से बोलता हूँ कितना चीनी लेते हो, कैसे बोलूँगा, हाउ मेनी शुगर कि हाउ मच शुगर, मुझे ही जानना है। ठीक है, हाउ मच शुगर। अब अगर मैं शुगर में चम्मच वर्ड यूज कर दू, चम्मच तो गिन सकते हैं ना, हाउ मेनी स्पून, एक शुगर। तो कहने का मतलब है कि शुगर हमारा अनकाउंटेबल, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 1 स्पून ऑफ, और यहाँ ऑफ शुगर कर दू, तो पूरा का पूरा ये अब काउंटेबल हो गए ना। Yes, sir. अब काउंटेबल है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 स्पून्स ऑफ शुगर, काउंटेबल है। 3 स्पून्स ऑफ शुगर, काउंटेबल। तो अगर मैं किसी से बोलूँ, पहले बोलूँ कि भाई आप कितना चीनी लेते हो, तब तो मैं बोलूँगा कि हाउ मच शुगर डू यू टेक। और आप कितने चम्मच चीनी लेते हो, तो How many spoons of sugar do you take? लेकिन स्पून का तो हो सकता है, हाँ वो तो हो सकता है, स्पून का हो सकता है। तो उसी तरीके से हम पानी नहीं गिन सकते, हम ये नहीं कह सकते कि 1 वाटर, ये मेरा अगर गलत है, उसी पानी को अगर मैं बोतल में कर दूं, 1 बॉटल ऑफ वाटर तो गिन सकते हैं, अब तो सही है। मैं उसको ग्लास में कर दूं, 1 ग्लास ऑफ वाटर तो कर सकते हैं। तो ये सब फिर हो जाएगा, जैसे कि तुम कितने बॉटल्स पानी पीते हो, तब क्या हो जाएगा, How many bottles of water do you drink? और तुम कितना पानी पीते हो, How much water do you drink? Difference देखते रहिए। लीटर को गिन सकते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर, तो how many बोल दो उसमें, how many liters of water, you know, बोल सकते हैं। Okay जी, अब कोई बनाओ, इसे मैं बोलूँ कि तुम कितना नमक डालते हो सब्जी में, तो कैसे होगा?
कितने चम्मच नमक डालते हो? How many spoon of salt do you put in the vegetables? Put in salt. We put put on vegetables. ठीक है. Fine guys. ये तो हो गया. अब यहाँ पर ध्यान ये देना है. थोड़ा सा और देखते हैं. ये जो how much है, इसके लिए special note है. कभी कभी हाउ मच वाले सेंटेंस में या हाउ मेनी भी डाल देते हैं. जब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाता है, बोला जाता है तब इनके तुरंत बाद, तुरंत बाद ही डू डज लगाना पड़ता है. जैसे कई बार किसी ने ऑब्जेक्ट बोला ही नहीं, पानी तेल दूध कुछ बोला ही नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने बोला कि भाई साहब आप कितना पीते हो, कुछ पता चल रहा है? दूध पानी तेल कुछ पता चल रहा है? नहीं ना. नहीं सर. नो सर. वो शराब है कि वो दूध है क्या है? अब उसने ऑब्जेक्ट ही नहीं बोला, स्मार्ट गेम खेल गया. तो हमें भी स्मार्ट गेम खेलना है. आप कितना पीते हो? हाउ मच डू यू ड्रिंक? तो जहाँ ऑब्जेक्ट ना हो वहाँ पर अगर आप हाउ मच बोलते हो या हाउ मेनी भी बोलते हो और ऑब्जेक्ट उसने बोला ही नहीं या पहले ही बातचीत में ऑब्जेक्ट का जिक्र हो चुका है, दोबारा नहीं कहना है, तो जब है ही नहीं तो नहीं लगाएंगे. डायरेक्ट डू डज लगाइए. सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ऐसे जैसे किसी ने बोला तुम कितना लेते हो, तुम कितना लेते हो? अब क्या लेते हो? घूस लेते हो कि यू नो ड्रग्स लेते हो? कुछ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है. तुम कितना लेते हो तो क्या समझेंगे? हाउ मच, हाउ मच डू यू टेक? हमें ये भी नहीं पता है कि वो काउंटेबल चीज़ लेता है कि अनकाउंटेबल. तो हम ज़्यादातर या तो हम पहले बातें हमारी हो चुकी है, किसी ने बोला कि यार मैं तो बस यू नो सुबह सुबह भी चढ़ा लेता हूँ, दोपहर में तो चढ़ाता ही हूँ, रात को भी चढ़ा के ही सोता हूँ. चढ़ाना मतलब शराब पीना. तो फिर किसी ने बोला कि अच्छा तो टोटल कितना लेते हो भाई, यानी कि बातें तो ऑलरेडी किसके बारे में चल रही, शराब के बारे में चल रही ना. तो दोबारा उसने वर्ड यूज़ नहीं किया. तो यूज़ नहीं किया तो अंडरस्टूड है कि शराब की बात हो रही है, तो लगा रहे भाई कितना लेते हो, तो हाउ मच को उसने चुना. हाउ मच डू यू टेक? ऐसे भी कुछ लोग बातें करते हैं, मतलब ऑलरेडी बातें हो रही है. yes, जैसे कि सर सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे ड्रिंक ज्यादातर अल्कोहल ये सब पीने में लगाते हैं ना, ड्रिंक का यूज. हाँ, ड्रिंक वर्ड को बदनाम किया हुआ है. yes, sir. जैसे कि दो लोग टेक भी यूज कर सकते हैं ना. टेक, हाँ टेक, या हैव भी चल रहा है. हैव ज्यादा चलता है. यहाँ पर दो लोग हैं. अब मान लो कि पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं तो बहुत सारे पेन्स खरीदता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ, मतलब मैं तो खरीदता रहता हूँ. तो किसी ने बोला तो महीने में कितना खरीद लेते हो? अब उसने पेन नहीं बोला, सीधा बोला महीने में कितना खरीदते हो, महीने में कितना खरीदते हो. अब हम कैसे समझेंगे कि मैं हाउ मच लगाऊं कि हाउ मेनी लगाऊं? तो बातें तो किसकी हो रही थी? पेन की हो रही थी ना. काउंटेबल पेन. बात पहले से पेन की हो रही थी तो उसी उसके संदर्भ में हम बोलेंगे कि हाउ मेनी, हाउ मेनी पेन्स. अब मान लो पेन से उसने बोला भी नहीं, सीधा बोला कितना खरीदते हो, तो हाउ मेनी डू यू परचेज महीने में, इन अ मंथ परचेज, इन अ मंथ. तो इसका मतलब कि ऑलरेडी पेन की बात कर रहा था तो पेन नहीं लगाया उसने, तो ये भी चलता है. मैं कह रहा हूँ कि बातचीत करते करते अचानक किसी ने बोला कि भाई मैं तो पहलवान हूँ, दूध ही पीता रहता हूँ,
तो किसी ने बोला अच्छा तो कितना पी लेते हो भाई, पूरे दिन में कितना पीते हो? और उसने दूध वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि पहले से बातें चल रही थी। तो दिन में कितना पीते हो तो क्या बोलेगा, हाउ मच डू यू ड्रिंक इन अ डे। उसने दूध वर्ड यहाँ यूज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बात चल रही थी। तो एक तो ये हो गया। अगर कोई बोले, जैसे एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से कहता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। देखो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसमें कोई दूध चावल ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तब भी वो कैसे बोलेगा? हाउ मच के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हाउ मच डू यू लव, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं ना। हाउ मच क्या, हाउ मच वाटर, हाउ मच कुछ है ही नहीं। और यहाँ प्यार और करना, इन दोनों को मिलाकर एक ही वर्ड है, क्या है? लव। इसमें प्यार भी आ गया और करना भी आ गया, लव वर्ब है। तो हाउ मच डू यू लव मी, ऐसे बात करें, कितना प्यार करते हो, बोलेगा आई लव यू सो मच, यू नो, जवाब देगा। ओके जी, तुम मुझसे कितना नफरत करते हो? क्या हो जाएगा, हाउ मच डू यू हेट तो अब आप लोग बताइए कि तुम एक साल में कितने मोबाइल्स चेंज कर देते हो, कैसे होगा? हाउ मेनी मोबाइल डू यू चेंज इन अ ईयर ठीक है। बाकी रुपीस वगैरह में ठीक है, गिनते हैं, हाउ मेनी रुपीस बोल सकते हैं, बट आम जिंदगी में लोग हाउ मच मनी ज्यादा बोलते हैं, यू नो, बातचीत में। तो आइए एक तो सवाल हो जाए। तो ओके, सचिन एंड रोशन पूछ के दिखाइए एक दूसरे से। ओके ओके सर, कुछ भी हो सकता है उसमें, हाउ मेनी हाउ मच, फिलहाल तो कुछ भी हो सकता है। अब जब उसने बताया नहीं तो फिलहाल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इंसान आम जिंदगी में बातें करता है तो ऑलरेडी पहले किसी मुद्दे पे बात कर रहा होता है। यस सर। तब अचानक उसने शॉर्टकट मार दिया, अच्छा तो कितना ले लेते हो भाई? ये लेना तो बस एक ही जगह यूज है। चलिए ऑडियो ऑफ कर लीजिए, देखिए उसी तरीके से अगर आता है, तुम कौन सी मूवी देखते हो, किसी ने बोला, तो कौन सी का मतलब फिर यहाँ पर क्या हो गया सर? विच होगा, विच, विच टाइप ऑफ, विच, यानी कि ये मूवी है तो एक है, दो है, तीन है, इसके अंदर फिर वो इतने में से एक नाम पूछ रहा है कि तुम कौन सी मूवी देखते हो, कौन सी, तो फिर उसे विच, विच के बाद उसे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और तब लगाना पड़ेगा या तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब। जैसे विच मूवी डू यू वॉच, कौन सी मूवी देखते हो, तुम कौन सा पेन यूज करते हो, कैसे होगा? विच पेन डू यू यूज, विच पेन डू यू यूज, विच पेन डू यू यूज। ओके, तुम कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हो, अब क्या हो जाएगा? विच मोबाइल डू यू वांट टू परचेज। तो ये विच है, लेकिन आपको ये भी पता है कि विच जैसा काम आजकल व्हाट भी करता है, मैंने बेसिक में बताया भी होगा इसको, स्टेटस में कहीं ये सर बताया था कि जैसे विच का मतलब है कौन सा, कौन सा,
कहीं कहीं पर व्हाट का मतलब भी होता है कौन सा, कौन सा ये होता है। अब व्हाट का, अब ये राजीव बोलेंगे व्हाट का मतलब तो क्या होता है सर जी, ये क्या चक्कर है, कौन सा। हाँ सर, तो इसका यूज जी सर ऐसे पास ना कि यहाँ पर क्या लगेगा कि कौन सा लगेगा। कोई बात नहीं, मर्चेंट नेवी में गए हैं तो पढ़ लिख के गए होंगे, ऐसा तो नहीं कि चले गए होंगे, तो सारा पढ़ा होगा आपने, तब भी डिटेल जानना चाह रहे हैं। ओके कौन सा, अब कब यूज होता है देखते हैं। इसमें है कि जब कोई सर्टेन लिस्ट दिया हुआ हो, लिस्ट दिया हुआ हो, सर्टेन मतलब निश्चित, लिस्ट दिया हुआ हो, हुआ हो तब विच का यूज करते हैं। यानी कि अगर 10 आइटम्स लिस्ट में हैं और उनमें से कौन सा आप पसंद करते हो ऐसा पूछना है, तब क्या लगाएंगे, विच का यूज करेंगे। और खाली 10 ही नहीं, 10, 12, 15, कुछ भी ऐसा आइटम दिया हो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी जो लिस्टेड हो। हाँ लिस्टेड हो, एक लिस्ट हो, पर्टिकुलर लिस्ट हो, दायरे के अंदर हो, ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं और यहाँ पर मान लो कि ये राजीव है, ये राजीव अपने किसी से पूछ रहे हैं, ये तो खुद शादीशुदा है, पूछ रहे हैं कि अच्छा तू बता तुझे इनमें से कौन सी लड़की पसंद है, यू नो अब लिस्टेड है कौन सी पसंद है। या रिश्ते के लिए आपके पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स आते हैं ना, फोटोज़ आते हैं, और किसी ने बोला कि अच्छा इनमें से कौन सा वाला फ़ोटो तुझे पसंद है, तो ये लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, उसमें से आपका आपको चयन करना है, आपको चुनना है, इसको हम बोलते हैं ना कि सिलेक्शन आउट ऑफ कलेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्शन जी सर आउट ऑफ कलेक्शन। यानी कलेक्शन है उसमें से सिलेक्शन करना है, तो आप क्या यूज करोगे, विच यूज करो। तो मुझे बोलना है कि कौन सी लड़की तुझे पसंद है भाई, तो कैसे बोलेंगे, खड़े हो अब कौन सा बॉटल, तू लाल वाला, काला वाला, पीला वाला, व्हाटएवर, तो तुरंत वहां पर मुंह से क्या निकलेगा, विच ही निकलेगा। चाहे तो आप विच वन करके बोल सकते हो, विच वन शॉर्ट में बोल सकते हो, या विच बॉटल, तो अपने आप ही बोलेगा अरे वो देना रेड वन, लाल वाला देना, ग्रीन वाला देना, तो विच निकलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वहां एक कलेक्शन है, उसमें से सिलेक्ट करना है। यहां तक क्लियर है? यस ठीक है जी। हाँ सर, तो बताइए कि किसी ने वार्डरोब खोला और बहुत शर्टों की भरमार है, अरे कौन सा वाला शर्ट दूं, तो क्या बोलेगा, विच शर्ट, विच वन डू यू वांट, या तो नाम लेगा शर्ट करके, नहीं तो वन करके उसको दिखाएगा, तो विच शर्ट डू यू वांट। व्हाट क्या होता है, जब जब स्काई इज द लिमिट, समझ में आता है ना, स्काई इज द लिमिट, कहने का मतलब है कि जब कोई कलेक्शन ना हो, कोई यस सर इनफाइनाइट, हाँ ना हो, पूरे पूरे यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं वही कलेक्शन हो, तब विच नहीं बोलते हैं, बोलते हैं
तब व्हाट बोलते। अब किसी किसी की जुबान पे व्हाट चढ़ा हुआ है, किसी पे नहीं चढ़ा हुआ है, बट जानना चाहिए हमें। जैसे किसी ने अचानक बोला एक्सक्यूज मी व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक, इट मींस कि कहीं पर कोई लिस्ट नहीं दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 12 कलर दिया हुआ है, उसमें से पूछ रहा है कौन सा तुम्हें पसंद है। व्हाट कलर डू यू लाइक, पूरे ब्रह्मांड में जितने रंग होंगे उनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है, इतना बड़ा आपको उसने ऑप्शन दे दिया, समझ रहे, खुला छोड़ दिया आपको। व्हाट का मतलब खुला छोड़ दिया, लो भाई ये पूरा संसार छोटे वर्ड में इतना इतना मीनिंग आ गया सर, एक छोटे वर्ड में, छोटे वर्ड में देख रहे हो। तो इसीलिए लोग बहुत मुश्किल से व्हाट यूज करते हैं कि भाई व्हाट का मतलब तो पूरा यूनिवर्स उसको ऑप्शन में दे देगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो कुछ भी यूज करते हैं, व्हाट कलर, विच कलर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। बहुतों को तो पता भी नहीं है, वो तो उनको तो जिंदगी भर व्हाट मतलब क्या ही पता है, अच्छा क्या कलर तुमको पसंद है, अच्छा सही है पूछ रहा होगा, नारंगी वाला दीजिए ना, नारंगी पसंद है। तो अंडरस्टैंड राजीव बाबू, तो इसीलिए अगर आपके पास 10 फोटो आया है लड़कियों का तो उसमें व्हाट फोटो कहना उचित नहीं होगा, उसमें क्या उचित होगा, विच फोटो, विच। यस, तो ये छोटा सा एक था डिफरेंस। चलिए उसी में अगर कोई चाहे तो टाइप भी दिखा सकता है, जैसे कि विच में वो टाइप लगा दे कि विच टाइप ऑफ मान लो गर्ल्स, या विच टाइप ऑफ कार्स, विच टाइप ऑफ मोबाइल्स। तो टाइप का मतलब उस मोबाइल का नाम नहीं पूछ रहा है वो, यू नो टाइप का प्रकार मतलब, का सर, हाँ कि प्रकार, वो उस तरह का कुछ पूछना चाह रहा है कि कैसा टाइप, कैसा स्टाइल तुम्हें चाहिए, खूबियां, खूबियां, हाँ खूबियां, तो ऐसा पूछ रहा है वो। तो हमें फिर उसकी क्वालिटीज वगैरह बतानी पड़ती है ना। और कोई सीधा बोले विच मोबाइल, यानी कि या तो पूरा ब्रांड ही पूछ रहा है, कुछ ना कुछ तो पूछ रहा है ना कि कौन सा वाला, यहाँ पर एप्पल है, यहाँ सैमसंग है, और क्या क्या होते हैं बताओ कौन सा वाला, तो आपने बोला जी यू नो एप्पल, ऐसा बोल दिया। टाइप के अंदर है कि कोई नाम नहीं, बस टाइप बताओ कि तुम्हें ज्यादा मेमोरी वाला चाहिए, 3 कैमरों वाला चाहिए, नो टाइप बताओ। तो किसी ने बोला कि हाँ, तो विच टाइप ऑफ मोबाइल्स डू यू लाइक, डू यू लाइक। अब इसका जवाब है कि भाई आई लाइक लाइट, लाइट वेट, इसका वेट, लाइट वेट, लाइट वेट विद विद स्नैपड्रैगन विद विद व्हाट एवर, जो भी है क्वालिटी क्या है, क्या क्या वो कह रहे हैं, विद मेनी एप्स मान लो, मेगापिक्सल, विद हाई हाई क्वालिटी कैमरा, कैमरा टाइप ऑफ मोबाइल। और टाइप नहीं भी लगाया तो इतना ही पे मोबाइल बोल सकता है, हाई क्वालिटी कैमरा मोबाइल। ओके, किसी ने बोला कि किस तरह की कन्याएं तुम्हें पसंद है, विच टाइप ऑफ गर्ल्स डू यू गर्ल्स, और उसमें क्वालिटी बतानी है, आई लाइक टॉल, ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव, विद ग्रेट ड्रेस सेंस, यू नो गर्ल्स, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया सर। जी सर, इसी में कुछ लोग वही वाला खेल खेलते हैं, यूनिवर्स स्काई इज द लिमिट, विच टाइप की जगह क्या बोलेंगे, व्हाट टाइप ऑफ, समझ गए, व्हाट टाइप ऑफ। तो किसी ने बोला व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक, तो उसे पता भी नहीं होगा कि उसने क्या पूछ लिया, यानी कि आपके चयन को उसने और बढ़ा दिया। जैसे व्हाट टाइप बोला तो बोला कि 4-5 ऑप्शन मत दो, आप बताओ, मतलब पूरी दुनिया ऑप्शन है, आप बताओ कैसी लड़कियां चाहिए। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या सोच के बोल रहा है। जहाँ पर कलेक्शन ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास बोलने को 5-6 चीज़ें ही हैं, तो उसमें इंसान क्या बोलता है, विच ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, विच टाइप ऑफ। अच्छा, अभी टाइप की जगह काइंड भी चल रहा है, यू नो कोई ऐसे पूछ लेगा आपको व्हाट काइंड ऑफ, आजकल तो ऐसे भी चल रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ,
सुना नहीं सुना पर चल रहा है, सुना आपने? व्हाट सॉर्ट ऑफ? सुना है सर। तो ये सब स्पोकन में चल रहा है धड़ल्ले से, उनको पता नहीं कि व्हाट क्यों लगा रहे, विच क्यों लगा रहे, बट चल रहा है और अच्छा चल रहा है। ओके, तो किसी ने अगर बोला कि व्हाट व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज डू यू फेस, तो समझ जाएंगे आप क्या पूछ रहे हैं वो, क्या सिचुएशन पहले, किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हो, फेस करते हो। जब हम विच या व्हाट, वैसे विच ही रहने तो व्हाट तो पूरे यूनिवर्स को दिखा रहा है, जब हम विच के बगल में कोई नाउन नहीं लगाते हैं तब हम वन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं विच बुक बोल रहा हूँ तो बुक मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया ना। अगर मुझे नहीं लगाना है तो मैं सीधा क्या बोलूँगा, विच वन। इस वन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों को, लिसनर को, लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि किस नाउन के बारे में बात हो रही है, इसलिए उस नाउन का बार बार यूज ना करके वन का यूज करना होता है। एग्जाम्पल ले लेते वार्डरोब का। किसी ने बोला, स्पीकर ने बोला लिसनर से कि हे लिसनर, जाओ मुझे एक शर्ट दे दो। अब यहाँ पर पूरा कलेक्शन ऑफ शर्ट्स है, तो अब जो लिसनर है वो कह रहा है कौन सा वाला दूँ, तो वो चाहे तो विच के बाद वो शर्ट लगा सकता है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही थी, शर्ट के बारे में हो रही थी ना, तो वो ये भी कह सकता है। ऑलरेडी शर्ट का जिक्र हो चुका है, तो वो चाहे तो खाली वन शर्ट को रिप्लेस करे, वन लगा दे कि विच वन डू यू वॉन्ट। तो ये वन लगाने का हक हमें कब है, जब हम दोनों की नज़र उसी चीज़ पर है, हम दोनों एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर मान लो कि शूज़ पे हम दोनों की नज़र है, हम दो दोस्त हैं, हम शूज़ देख रहे हैं, तो हम मुंह से शूज़ बोले ना बोले हमारी आँखों ने तो पहचान लिया ना किस बारे में बात करने वाले हैं, शूज़ के बारे में, कि वाह सच ए ब्यूटीफुल शूज, ऐसे बात कर रहे हैं। इसने बोला अच्छा यार कौन सा वाला तू लेगा, तब भी ये बोल सकता है विच वन डू यू वॉन्ट टू टेक, यू नो विच वन, क्यों, क्योंकि हम शूज को ही देख रहे हैं। तो आपने बताया कि विच के बाद अगर नाउन नहीं लगाएंगे तब वन का यूज करेंगे, और अगर वन के बाद नाउन लगा देंगे तब वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, गलत, महा गलत होगा। Which one shirt do you want? It is wrong. Wrong. Which one shirt is wrong? Which one plus noun is wrong? या तो आपको बोल सकते हो which shirt बोलोगे तो correct है, which one बोलोगे तो correct है, और which one shirt बोलोगे तो wrong। ये याद रखना। तो अब बताइए, जरा मुझे पेन देना है, कुड यू प्लीज गिव मी माई पेन। तो अब वहाँ बहुत सारे पेन हैं, ऑलरेडी बहुत सारे पेन हैं, तो मैं खाली विच वन भी कह सकता हूँ कि विच वन डू यू वॉन्ट। अब वो जो नाम लेगा, अगर कलर से दिखाएगा तो कलर के बगल में वो वन लगा सकता है, यू नो कैसे बोल सकता है, रेड वन, यू नो ब्लू वन, ग्रीन वन, वो चाहे तो उसकी पोजीशन दिखा के भी वन लगा सकता है, पोजीशन प्लस वन, मिडिल वन, यू नो विच वाला मिडिल वन, ऐसे करके बोल सकता है। पहला वाला कैसे होगा, फर्स्ट वन, दूसरा वाला सेकेंड वन,
ये लास्ट वाला, लास्ट वन, ऐसा जैसे सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए, थ्रोट की बात लग गई हैं, गर्म पानी बोला नहीं जा रहा है। ओके चलिए, तो अब अगर मुझे बोलना है कि कोई भी देख लेते हैं, मोबाइल मोबाइल को उठा लो, यहाँ पर अगर पांच मोबाइल्स हैं, कोई बोले अच्छा कौन सा तुझे पसंद है, डायरेक्ट मैं आराम से कह सकता हूँ विच वन डू यू लाइक, मैं पूरा बोलूँगा कौन सा मोबाइल, तो विच मोबाइल ये है, कौन सी साड़ी पसंद है, फन गाइस। अब बताइए हुज का मतलब क्या होगा, हुज क्या है, किसका जी, हुज का मतलब है किसका, मतलब ये किसको दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है, जैसे कि अगर मुझे बोलना है किसका पति, तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, हुज हस्बैंड, किसका भाई, हुज ब्रदर, तो किसका मोबाइल कैसे हो जाएगा, हुज मोबाइल, किसका बेटा, हुज सन। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मैंने बोला कि तुम किसका मोबाइल यूज करते हो, यानी कि पापा का मोबाइल यूज करते हो, मम्मी का यूज करते हो, किसका मोबाइल यूज करते हो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, यस सर, यस सर, क्योंकि मैं किसी एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, मैं लेक्चर दे रहा था और मेरा इंटरनेट बंद हो चुका था तो मैं लेक्चर दे ही रहा था तो ऐसा भी होता है। तो हुज के बाद भी आपको क्या रखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपको डू या डज पर चलना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किसका मोबाइल, हुज मोबाइल, मोबाइल डू यू यूज़, तो यहाँ पर क्या मोबाइल का ब्रांड बताएगा कि मम्मी पापा का है, ये बताएगा, क्या बताएगा, मम्मी पापा का, मम्मी पापा, ये तो कभी ये मत सोचना है कि ब्रांड बताएगा कि सैमसंग और एप्पल, वो मम्मी पापा या भाई बहन जिसका मोबाइल है, ऑनर का नाम, हुज का मतलब देखो कहीं मैंने लिखा था पोजीशन ना, मतलब yes, sir, yes. मैं कहीं पर लिख देता हूँ yes, sir, yes, sir. कि हुज आप तभी यूज करोगे, तभी यूज करोगे जब आपको ऑनर का नाम जानना हो। अब ऑनर का मतलब कोई बोलेगा मैं किसका पति बोल रहा हूँ तो क्या पति ऑनर हो गया, कहने का मतलब है ऑनर का नाम जानना है, पति को तो परमेश्वर भी कहते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि आरती वारती उतार दो है जी चलिए ऑनर का नाम आपको जानना है। अब मैं कह रहा हूँ किसका बेटा, तो ऑनर मतलब जिससे वो बिलोंग करता है, किसी के नाम से तो जाना जाता है ना, अभी उसका पोजिशन किसका उसके ऊपर है, किसका अधिकार है, स्वामित्व, स्वामित्व किसके किसका है, तो हुज मोबाइल डू यू यूज, उसने बोला स्वामित्व, स्वामित्व है कुछ शुद्ध हिंदी हो गया मैं अपने पापा का मोबाइल यूज करता हूँ, आई यूज माई फादर, तो यहाँ पर बोलेगा फादर्स मोबाइल, ऐसे कोई रोज बाइक चलाता है और मुझे पता है कि ये इसकी बाइक तो है नहीं, मैं बोलूँगा तू किसकी बाइक चलाता है भाई, तू किसकी बाइक चलाता है, मैं कैसे बोलूंगा, हुज बाइक डू यू राइड, डू यू राइड, ओके। और अगर मैं एक मिनट ऐसे थोड़ा सा फन था कि तू तू किसकी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है, कई बार ऐसा भी मैंने केसेस देखे, गर्लफ्रेंड किसी और की डेट कोई और कर रहा है, तो मैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करता हूँ, किसकी गर्लफ्रेंड को तू डेट करता है, तो कैसे होगा, हुज हुज गर्लफ्रेंड डू यू डेट, डू यू डेट,
तो इसका मतलब है कि ये गर्लफ्रेंड है, ये तेरी नहीं, किसी और की डेट तू कर रहा है, ऐसा भी। ये तो फन था, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। किसकी वाइफ को तू डेट कर रहा है भी तो हो सकता है। गजब है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हाउस वाइफ, डू यू डेट, सब पॉसिबल है। चलिए गाइस, तो बताइए कि अगर पंखा है तो किसका पंखा तो अपने घर में यूज करता है, तो हूज फैन डू यू यूज इन योर होम। वो बोलेगा कि मैं तो जी मकान मालिक का पंखा यूज करता हूँ, मकान मालिक का, तो कैसे बोलेगा? हाँ, यूज लैंडलॉर्ड फैन। जी करेक्ट है गाइस, तो हूज तक पहुंच गए। डब्ल्यू एच फैमिली देख रहे हो, पूरा एक वो है समुंदर की तरह, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। लेकिन सर बहुत बहुत फंसाती है ये सब वर्ड। इसका डब्ल्यू एच क्लियर होगा वो सवाल अच्छा पूछ पाएगा। सर जो हर बात में हम लोग दो लगाते हैं ना, वो भी फंसाता है, कहां दो लगाए ना लगाए। यस यस, इस पे भी करेंगे। तो गाइस, तो ये हो गया, अब इसका एक टाइप और रह गया है, उसके लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए उस टाइप को पढ़ाने के लिए नो। वो सबसे खतरनाक टाइप है, वो कल हो जाएगा, कल ही होगा वो। 30 मिनट तो ले लेगा समझते समझाते, वक्त लेता है। मैं किसी क्लास में वुड पढ़ा रहा हूँ मॉडल, 3 दिन हो गया अब तक वुड खत्म नहीं हुआ है। ये डिटेल वुड मतलब इतना खतरनाक होता है वुड, समझ रहे हो, उसमें डिटेलिंग चाहिए। इतने वीडियो पढ़े हैं लेकिन जल्दी किस कहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, नहीं होता है, इसलिए वो बहुत डिटेल में चाहिए। इसलिए हाँ, बहुत डिटेल में चाहिए। आराम आराम से पढ़ाता हूँ कि भाई 3 दिन लगे 5 दिन लगे, एक बार वुड आ जाए वापस ना जाए। हाँ ये है। चलिए गए, तो पीडीएफ में आपको भेजूँ।